बकेट बिरयानी। हरनाम चौधरी बहुत पैसे वाला था, वो मिनिस्टर बनना चाहता था। हर वक्त उसके बंगला के बाहर उसके जाति के लोगों की भीड़ लगी रहती थी। आने वाले चुनावों में क्या करना है इसकी चर्चा होती रहती थी। एक दिन हरनाम चौधरी का पोता हुआ। बस फिर क्या था, बंगला में त्योहार का माहौल था। पंडितों ने पोते के नामकरण का मुहूर्त निकाला। हरनाम चौधरी की पत्नी रुक्मिणी देवी बहुत हड़बड़ी करने लगी। सुनो जी, नामकरण वाले दिन सारे गांव को दावत के लिए न्योता देंगे और ऐसा दावत देंगे कि सब अपने दांतों तले उंगलियां चबा जाए। ये लीजिए उसके लिए लिस्ट। कहकर एक लंबे कागज पर एक लिस्ट बनाकर दिया। उस लिस्ट को देखकर चौधरी, क्या अब दावत के लिए 56 भोग नहीं 112 किस्म के व्यंजन? अरे भगवान, इतने सारे व्यंजन इंसान ही नहीं बकासुर भी नहीं खा सकता। तब रुक्मिणी देवी, आप भी ना बस। हाँ भाई, मेरे पोते का नामकरण है, कम से कम इतने सारे व्यंजन ना हो तो हमारी इज्जत का क्या होगा। हाँ वहीं खड़ा दीक्षित नाम का सेक्रेटरी, साहब मैडम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। सर हमारे रुतबे के लिए ना तो कम से कम करना होगा ना। लेकिन पंडित जी ने जो मुहूर्त निकाला है उसमें बहुत कम समय बचा है और इतनी जल्दी इतने सारे व्यंजन बन नहीं सकते, ये मेरा ख्याल है। तब रुक्मिणी को गुस्सा आया। तो तुम क्या कहते हो कि ये सब रहने दें और मेरे पोते का नामकरण एकदम फीका पड़े, यही कहना चाहते हो तुम? तब दीक्षित अपने गाल पर थपथपाते हुए, नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे साहब में सीएम बनने के सारे गुण हैं, लेकिन वो उस तरह ठीक से ध्यान नहीं देते, इसलिए बन नहीं पा रहे। मुझे बस इसी बात का दुख है, इसलिए यूं कुछ कह ही रहा था कि तभी चौधरी, ठीक है बोलो क्या कहना चाहते हो। तब दीक्षित, सर और 6 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। आप अपने पोते के नामकरण के अवसर पर आप अपने चुनाव क्षेत्र के हर जाति, हर संप्रदाय और हर धर्म के लोगों को न्योता दें तो बहुत बढ़िया होगा, ये मेरा ख्याल है। अगर हमने उनके पसंद का खाना उन्हें खिलाया तो वो बहुत खुश होकर उनका सारा वोट हमें ही देंगे, तब आपके पार्टी वाले ही आपको मिनिस्टर बनाने के लिए आएंगे। तब चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइडिया है। तब रुक्मिणी देवी, ठीक है आइडिया अच्छा है, अब तुम ही बताओ क्या पकाएं। दीक्षित, बकेट बिरयानी मैडम, ऐसा कहा। चौधरी, ये क्या, ये कैसा बिरयानी है, ऐसा पूछा। तब दीक्षित, सर बकेट बिरयानी में चिकन मटन प्रॉन्स फिश सबको मिलाकर बिरयानी बनाते हैं, उन्हें प्लेटों में परोसा नहीं जाता, कई रंगों के बकेटों में परोसा जाता है, उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है सर, उसे खाकर हर कोई फिदा हो जाएगा। उसी गांव में परशुराम नाम का एक आदर्श युवक था जो एक एनजीओ चलाता था। उसके दोस्त और उसके हितैषी जो पैसे देते थे उससे वो एनजीओ चलाता था। हफ्ते में एक दिन वो गरीब लोगों के लिए सारे सब्जियों को मिलाकर एक बिरयानी बनाता और उनकी पोटलियां उनमें बांटता। एक दिन जब परशुराम खाने की पोटलियां बांट रहा था तब एक बूढ़ा गश खाकर नीचे गिरा और उसके सर पर चोट लगी। ये देखकर परशुराम, अरे ये क्या हो गया, कहकर उन्हें उठाया और ऑटो ऑटो कहकर आवाज देने लगा। तभी वहाँ एक स्कूटर आकर रुकी। स्कूटर चला रही लड़की, इस एरिया में ऑटो बहुत कम मिलते हैं, आप एक काम कीजिए, इन्हें पकड़कर आप पीछे बैठ जाइए, काफी खून बह रहा है, इन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाना होगा, ऐसा कहा। फिर दोनों मिलकर उस बूढ़े को अस्पताल ले गए और उसका इलाज कराया। फिर परशुराम, थैंक यू वेरी मच, सही समय पर आप पहुँचे इसीलिए इनका इलाज हो पाया, आपका नाम क्या है? तब वो लड़की, मेरा नाम वंदना है, मैं एक पत्रकार हूँ। आप जितना सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं, एक पत्रकार होने के नाते मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आप एक काम क्यों नहीं करते, मेरे पिताजी एक बैंक मैनेजर है, मैं उनसे कहकर आपको लोन दिलाती हूँ, आप एक ऑटो खरीद लीजिए और उसे एक एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल कीजिए, बूढ़ों के लिए और विकलांगों के लिए आपकी सेवा बहुत काम आएगी। परशुराम, आपका ये सुझाव बहुत बढ़िया है, ऐसा ही करते हैं। वहाँ पोते का नामकरण बड़े धूमधाम से हो रहा था। उस इवेंट को कवर करने के लिए वंदना वहाँ पहुँची, वो हरनाम चौधरी से, सर 12 बज रहे हैं सर, लेकिन अब तक ना किसी जाति का नेता ना ही उसके अनुचर यहाँ कोई पहुँचा है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये बकेट बिरयानी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, आप जानते हैं अपना संप्रदाय क्या है। यूँ कही रही थी कि तभी हरनाम चौधरी, दीक्षित दीक्षित कहकर चिल्लाने लगा।
तब दीक्षित वहाँ चुपचाप पहुँचा और सर मुझे अभी भी पता चला है कि हमने जिन नेताओं को बुलाया था वो सब चुपचाप दिल्ली पहुँच गए हैं और वहाँ अपने कुल के नेताओं से जा मिले हैं और उनसे पार्टी के इलेक्शंस के लिए टिकट मांग रहे हैं। सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं सर। ये सुनकर रुक्मिणी देवी, अरे तुम्हारे बातों में आकर मैंने 1000 बकेट बिरयानी बनवाए हैं, अब इसे क्या करूं, अपना सर पीटूं? दीक्षित कुछ कहने ही वाला था कि तभी परशुराम वहां पहुंचा और वंदना भाई तुमने तो कहा था कि खाने की पोटलियां बांटने में आज तुम मेरी मदद करोगी, मैंने तुम्हारे दफ्तर फोन किया तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ हो। तब वंदना, परशुराम एक मिनट, अब इंटरव्यू समाप्त नहीं हुआ। फिर हरनाम से, आप अपने पोते का नामकरण इस हद पर मना रहे हैं कि सब सोच रहे होंगे कि सब में जरूर आपका राजनीतिक फायदा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यूं कहने लगी तब हरनाथ ने अपना छाती पकड़ा और सोफा में जा गिरा। तब रुक्मिणी देवी तुरंत, जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कह के हिलाने लगी। तब परशुराम, मैडम आप इन्हें यूं ना हिलाएं, इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। तब रुक्मिणी, अरे ड्राइवर को बुलाओ, कहकर दीक्षित पर चिल्लाने लगी। तब दीक्षित, मैडम हमारे तीनों गाड़ियां काम से बाहर गई हैं। तब परशुराम, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा ऑटो एम्बुलेंस है यहाँ पर, कहकर उसने हरनाम को पकड़ा और उसे उठाया। बाद में अस्पताल में हरनाम, वाकई सही समय पर पहुंचकर तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? तब वंदना, आपने जो 1000 बकेट बिरयानी बनाया है वो गरीबों में बांट दें और एहसान चुका दें। ऐसा कहा मुस्कुराते हुए हरनाम ने, ऐसा ही होगा, कहकर हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। इस तरह परशुराम और वंदना ने उन बकेट बिरयानियों को गरीबों में बांटा।